आज हम सद्गुरु कबीर की एक उलटवासी पर थोड़ी चर्चा करेंगे। सद्गुरु कबीर की उलटवासियाँ बहुत प्रसिद्ध है और उन उलटवासियों के कारण सद्गुरु कबीर भी प्रसिद्ध है। उलटवासी का अर्थ होता है उल्टे के समान, जो उल्टा तो ना हो लेकिन सुनने में उल्टा जैसे लगे वह उलटवासी। भाव को समझ लें तो बिल्कुल सीधा, सरल और कल्याणकारी, न समझें तो पागलपन की बात। उलटवासी का कोई एक सर्वमान्य अर्थ निकालना मुश्किल काम है। अब सद्गुरु कबीर ने अपनी उलटवासियां क्यों कही, किस अर्थ में कही, यह कह पाना कठिन है। लेकिन उनमें एक गंभीर बात छिपी है और एक प्रकार की चुनौती भी है, बुझौल है वह, बुद्धि का व्यायाम परंपरा द्वारा और साधना द्वारा, संत गुरुजनों के माध्यम से ही उनका अर्थ समझ में आ सकता है। तो एक उलटवासी तो ही रोकन वाला कौन, मगन से जाओ चली, चीटी चाली सासुरे नौमन काजल लाए, हाथी वाके गोद में ऊंट लिया लटकाए, अंडा था तब बोलता, बच्चा बोलत नाए, षड दर्शन संशय परी, जीवों का गमन आए, पहले दही जमाइए पाछे दुहिए गाय, बछड़ा वाके पेट में माखन हाट बिकाए, पहले तो मैं जन्मिया पीछे मेरा भाई, धूमधाम से बाबा जन्मे ता पीछे मोरी माई। कहें कबीर सुनो भाई साधो, यह पद है निर्वाणा, जो यह पद को अर्थ लगावे होनहार बलवाना। एक चींटी ससुराल जा रही है तो आंखों में नौमन काजल लगा करके जा रही है, और ऊंट को, हाथी को गोद में बैठा लिया और ऊंट को कंधे में लटका लिया, कह गए पागलपन की बात है। जब अंडा फूटा नहीं था तो बहुत बोलता था, अब अंडा फूट करके जब बच्चा बाहर आ गया तब तो बोलना बंद हो गया। उल्टी बात, पहले दही जमाओ, दही जम जाए तब गाय को दूहना। अब बिना दूध के कहाँ दही जमाओगे।
साहब कहते हैं यदि गाय दूहना है तो दही पहले जमाओ फिर गाय दूहो, और उस दही का मक्खन बाजार में बिक रहा है और बछड़ा गाय के पेट में भी पैदा ही नहीं हुआ है। पहले मेरा जन्म हुआ, उसके पास मेरा बड़ा भाई पैदा हुआ, बड़े भाई पैदा होने के पश्चात मेरे बाबा जन्मे, पिता के पिता, और जब बाबा जन्म हुआ तब मेरी माँ पैदा हुई। सारी बातें लगता है ना पागलपन की बात। अब सदगुरु कबीर ने ये बातें कही या नहीं कही, लेकिन उनके नाम से प्रसिद्ध है। थोड़ा हम इनको समझें। पहली पंक्ति है, तो ही रोकन वाला कौम मगन से जाव चली। तुम्हें रोकने वाला कौन है? बाहर तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है। प्रसन्नता पूर्वक अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाओ। हम कहते हैं अमुक के कारण मैं विकास नहीं कर पाया, अमुक ने मेरी उन्नति में बाधा डाल दी, अमुक मेरा सहयोगी नहीं हुआ। ऐसी परिस्थिति होती तो मैं भी ऐसा काम कर लेता। इस सारी की सारी बातें अपनी कमजोरी है, हमारी कमजोरी है। बाहर विघ्न बाधा कहीं नहीं है, विघ्न बाधा है अंदर। विषयासक्त, देहाभिमान, सुखाध्यास, आराम तलवी, भोगों की इच्छाएं, कायरता, इन्हें हम दूर नहीं करना चाहते। दोष दूसरों को देते हैं। सोचें, हम शिकायत करते हैं हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसी सुविधा नहीं मिली, ऐसी सुविधा नहीं मिली। सद्गुरु कबीर को कौन सुविधा मिली थी? पैदा कहाँ हुए पता ही नहीं, पाले पोसे गए नीरू नीमा गरीब जोलाहे के यहाँ, जहाँ रोज कुआं खोदना होता था और रोज पानी पीना होता था, रोज कमाओ और रोज खाओ, इस गरीबी में पालन पोषण हुआ। पढ़ने लिखने की क्या सुविधा मिली होगी कहा नहीं जा सकता। कबीर सीरियल जब चला था तो उसमें एक दृश्य दिखाया गया था, नीरू बालक कबीर को साथ लेकर एक मौलवी के पास गया और कहा, हुजूर ये बच्चा आपके मदरसे में पढ़ना चाहता है। तो मौलवी कहता है, नीरू सपना मत देखो, जुलाहे का बच्चा पढ़ेगा तो कपड़ा कौन बुनेगा, बढ़ई का बच्चा यदि पढ़ लेगा तो बढ़ई का काम कौन करेगा, ले जाओ इसे और कपड़ा बुनना सिखाओ। ऐसा हुआ या नहीं हुआ सीरियल में दिखाया गया था। तो पढ़ने लिखने की क्या सुविधा, गरीबों को कौन पढ़ाता था उस जमाने में, कोई सुविधा नहीं मिली, समाज ने कोई सहयोग नहीं दिया। लेकिन अकेले कबीर अपने दम पर सबसे आगे निकल गए और सबके सिर मुकुट बन गए। जितनी बाधाएं, जितनी प्रतिकूलताएं, जितनी मुसीबतें कबीर साहब के सामने थी, हमारे सामने तो उसका सौवां हिस्सा भी नहीं है। आज जिस जमाने में हम हैं,
कितनी सुविधाएं मिली हुई है। आज सबको पढ़ने लिखने की सुविधा है, संत हैं, गुरुजन हैं, सत्साहित्य है और अन्य सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन सारी सुविधाएं उपलब्ध होते हुए भी हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? हमारे भीतर की कमजोरी, चाहे व्यवहारिक क्षेत्र हो चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो। दोनों क्षेत्र में हमारी अपनी कमजोरी ही होती है। जिस परिवार के लोगों में परस्पर एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास है, समर्पण भावना है, प्रेम है, सेवा सहयोग है, लोग मिलजुल करके काम करते हैं, एक दूसरे को देख करके मुस्कुराते हुए मीठी वाणी में बात करते हैं, उस परिवार को कोई तोड़ नहीं सकता, उसके विकास को कोई रोक नहीं सकता। किसी भी परिवार, किसी भी समाज, किसी भी देश का पतन उसके अपने सदस्यों में परस्पर फूट होने से ही होता है। छोटा परिवार हो, बड़ा परिवार हो, राष्ट्र हो, बात वही है। यही बात हमारी आध्यात्मिक साधना के लिए है। हमारे भीतर निष्ठा है साधना के लिए, कल्याण के लिए, रोकते रह जाएंगे लेकिन सबके लोग, सारे के सारे लोग एक दिन किनारे हट जाएंगे। हमारे भीतर ही कमजोरी है, कायरता, विषयाशक्ति। सेवा से हम घबराते हैं, क्या साधना कर पाएंगे हम? सांसारिक क्षेत्र में लोग चाहे जितना सहन कर लें, परमार्थ में सहन नहीं करना चाहते। पत्नी ने, पति ने, पिता ने, पुत्र ने, भाई ने चाहे कुछ भी कह दिया हो, सब सहन करके लोग वहां रहते हैं। क्या कोई घर छोड़ करके भागता है? लेकिन साधु मार्ग में गुरु ने, गुरु भाई ने या किसी ने कह दिया थोड़ी सी बात, कहते हम सहन नहीं कर सकते, हम सहने के लिए नहीं आए हो, तो कौन बुलाया था आपको? यहां सहन नहीं कर सकते, वहां सब सहन करने के बाद है। मैं कहा करता हूं, एक साधक आया था आश्रम में, बहुत पुरानी बात है, 25-30 साल पुरानी बात होगी। किसी महात्मा ने उसकी गलती के लिए टोक दिया, समझाया, कुछ डांट भी दिया होगा, बहुत दुखी, बहुत दुखी आए मेरे पास। उसमें गुरुदेव जी नहीं थे आश्रम में, मेरे पास आए कि साहब अमुक ने हम ऐसा कहा है, बहुत परेशान है मन, बहुत दुखी, अब मैं आ नहीं रह पाऊंगा। जैसी मेरी समझ थी मैंने समझाने का प्रयास किया, कहा भैया दुनिया है, कोई कहता रहा है, तुमने गलती नहीं की है तो चिंता मत करो, गलती की है तो सुधारो, और जिन्होंने कहा है उसके मन में तुम्हारे लिए कोई द्वेष भाव नहीं है, कोई बैर भाव नहीं है, तुम्हारी भलाई के लिए ही तुमको कहा है। समझा? नहीं समझ नहीं था तो मैं नहीं रह पाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, नहीं रह पाओगे, घर जाओगे, शादी करोगे, पत्नी आएगी, जरूरी है कि पत्नी मन के अनुकूल मिले? कटुभाषी मिल जाए, क्रोधी मिल जाए, लड़ाका मिल जाए, तब क्या करोगे वहां? उन्होंने छूटते ही कहा था, साहब पत्नी चप्पल से मारेगी सहन कर सकता हूं, साधु की बात सहन नहीं कर सकता। भैया जा भैया, हाथ जोड़ लो फिर। तो आदमी भीतर से हारता है।
भीतर यदि निष्ठा है, समर्पण है, साहस है, तो कोई बाधा हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है। सदगुरु कबीर कहते हैं, तो रोकन वाला कौन मगन से जाचो, तुम्हें रोकने वाला कौन है। जिस क्षेत्र में चाहो तुम आगे बढ़ सकते हो, धैर्य, साहस, परिश्रम और समर्पण हो तब। चींटी चाली सासरे नौमन काजल लाए, हाथी वाके गोद में उठ लिया लटकाए। चींटी ससुराल जा रही है, नौमन काजल लगा करके हाथी को बैठा लिया गोद में और ऊंट को लटका लिया कंधे पर। चींटी है हमारी मनोवृत्ति, वो जाना चाहती है परमार्थ दिशा में, ससुराल। जहां लड़की पैदा होती है वो नैहर है, विवाह के बाद जहां जाती है पति घर ससुराल है। ये संसारिकता नैहर है, यही तो मनोवृत्ति पैदा होती है। इसी में रहते रहते कुछ शुद्ध संस्कार जगते हैं, तब कल्याण की इच्छा होती है। तो हमारे मनोवृत्ति संसारिकता से उब करके, घबरा कर कल्याण दिशा, परमा दिशा में आगे बढ़ना चाहती है, साधना करना चाहती है। लेकिन कैसे? नौमन काजल लाए, नौमन काजल लाए, तमाम प्रकार की मलिनताओं को लेकर। कितने लोग हैं साधु मार्ग में आते तो हैं, लेकिन मन की मलिनता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। छल कपट, चतुरता चालाकी, देह भाव, आराम तलवी या अन्य और अनेक प्रकार के मनोविकार, इनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। साधु तो हो गए, घर तो छोड़ दिए, लेकिन नौमन काजल, मन की मलिनता ज्यो की त्यों, वही कपट, वही चतुरता, वही चालाकी, वही बात बात में चिढ़ना, बात बात में गुस्सा करना, बात बात में लड़ना, वही अरागरंग की भावना। घर छोड़ने से क्या होगा? साधु का कपड़ा पहन लेने से क्या होगा? कोई भक्ति का वेश पहन लिए, माला भी पहन लिए, राम राम भी जप रहे हैं, तो क्या होता है यदि मन की मलिनता का त्याग नहीं हुआ तो? हाथी वाके गोद में, हाथी काम वासना का प्रतीक, काम वासना के प्रति अभी सुख बुद्धि बनी हुई है, आकर्षण बना हुआ है, और ऊंट है अहंकार का प्रतीक। साधु तो हो गए, लेकिन स्त्रियों को ललचाय दृष्टि से देख रहे हैं, बार बार मन में उनको देखकर विकारी भावना आ रही है, क्या होगा साधु होने से? पूजा कर, पुजारी भी बन गए, पूजा क्यों करते हैं? कल्याण के लिए। तीर्थों में जाते भी हैं क्यों? कल्याण के लिए। लेकिन वहां आंखें सुंदर स्त्रियों को खोजती रहती है, क्या करेगा सत्संग, क्या करेगा मठ, क्या करेगा मंदिर? भारतीय परंपरा में, खास करके हिंदू परंपरा में, जो देवी देवताओं का सृजन हुआ है, अब जितनी भी देवियां देख लो, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, पार्वती, गायत्री या अन्य और जितनी भी देवियां हैं, सब युवती हैं, सुंदर से सुंदर उनका रूप गढ़ा गया है, अनेक प्रकार के श्रृंगार उनका है, उनकी पूजा की जाती है। क्यों? ये सब प्रतीक हैं। सोचो, आपके सामने आप पूजा करने बैठे हैं, सीता का, राधा का, पार्वती का, लक्ष्मी का, सरस्वती का, गायत्री का, दुर्गा का, ये सब चित्र आपके सामने हैं, आप पूजा कर रहे हैं,
उन चित्रों को देखकर कभी आपके मन में कामवासना पैदा होती है? वहाँ श्रद्धा है, ये माताएं हैं, पूज्या हैं, देवी हैं, आराध्या हैं, भक्ति भावना है वहाँ पर। तो जैसे वो सारे के सारे चित्र में देखें, एक से एक सुंदर चित्र, सारी देवियां एक बहुत सुंदर बनाई गई हैं, सब पर श्रृंगार की हुई है, उसका अर्थ क्या है? जैसे उन देवियों के चित्र को देखकर मन में रंच मात्र भी वासना उत्पन्न नहीं होती, काम की वासना उत्पन्न नहीं होती, पूज्य भाव होते, ऐसे ही सुंदर से सुंदर स्त्री को देखकर मन में काम वासना पैदा ना हो, इसके लिए वो चित्र का प्रतीक है। ये भक्ति का अर्थ होता है। दिन रात दुर्गा की, सरस्वती की, लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं और किसी युवती को देखे मन में काम वासना आ गई, कहां पूजा किया? उस किसी स्त्री को देख करके उसमें दुर्गा को देखो, सरस्वती लक्ष्मी को देखो, अपनी माँ को देखो और काम वासना ना आए तो समझना मेरी पूजा सार्थक हो गई। क्या ऐसा होता है? तो हाथी वाके गोद में ऊंट लिया लटका है, हमारी मनोवृत्ति चाहती तो है आध्यात्मिक उन्नति, कल्याण मार्ग चलना, लेकिन काम वासना छोड़ने को तैयार नहीं है। काम वासना प्रति जो आसक्ति है, मोह है, सुख भावना छोड़ने को तैयार नहीं, और अहंकार, साधु बन गए, कितने साधु हैं, काल्पनिक जाति का अहंकार है, जो घर द्वार छोड़ा हुआ है उसका रुपया पैसा घर द्वार में है था उसका अहंकार है, अपनी पढ़ाई लिखाई का अहंकार है, मैं बड़ा त्यागी, मैं इतने दिन का साधु, मैं बड़ा वैरागी, इसका अहंकार है, कहाँ कल्याण होगा? ये सब की ये सारी उलटवासियां हमारे ऊपर सदगुरु कबीर का व्यंग है। तुम साधक भी कहलाना चाहते हो, चाहते हो कि लोग तुम्हारी पूजा करें, तुम्हें बड़ा माने, तुम्हारी आरती वंदना करे, तुम्हें मोक्ष मिल जाए, अब दुनिया भर की मलिनता मन में लिए बैठे हो, सहज काम वासना के प्रति लोभ नहीं घटा, अहंकार के पुतले बने हुए हो और चाहते हो कि हम बड़े साधु, सोचें अपने आप, हम बड़े पुजारी, बड़े धार्मिक, अपने मन को हमें टटोलना होगा कि कैसा हमारा मन, हमारी मनोवृत्ति कहाँ कहाँ दौड़ रही है, कहाँ कहाँ भी डूबी हुई है। ये पंक्तियाँ हमारी मलिन मनोवृत्ति पर कबीर साहब का व्यंग है, टटोलना हमको अपने आप पर है। अंडा था तब बोलता, बच्चा बोलत ना है, अंडा स्थिर रहता है, बोलता नहीं है। अंडा जब फूट जाता है उससे जब बच्चा बाहर आ जाता है तब बोलता चलता फिरता है। अंडा क्या है और बच्चा क्या है? हम अहंकार से जितने ज्यादा डूबे हुए होते हैं, घिरे होते हैं, उतना बकबक करते हैं, उतने अपने को बड़ा प्रदर्शित करते हैं, बात बात में मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं ऐसा, मैं वैसा, बढ़ चढ़ के ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन बच्चा, छोटा बच्चा सरल बहुत विनम्र होता है। जब सरलता आ जाती है, विनम्रता आ जाती है, ज्ञान की बातें जीवन में उतर जाती है, तब बकबक करना बंद हो जाता है। अंडा क्या है? अहंता ममता से घिरा हुआ मन, अहंता ममता अंडा है, सांसारिकता अंडा है, मोह माया अंडा है, उसमें हमारा मन जब डूबा रहता है तो हम ज्यादा प्रदर्शन करते हैं अपने आप का। जानते तो तिल बराबर हैं, लेकिन ऐसा कि लगता है हमें सब कुछ मालूम है। किसी को आप कुछ बता करके देखो, कहेगा हाँ हाँ ये मुझे मालूम है, तो मैं पहले से जानता था। हम ऐसा सिद्ध करते हैं
कि सामने वाला ये भ्रम में ना रहे कि हम अनाड़ी हैं, उसे ये लगे कि हम बड़े ज्ञानी हैं। लेकिन जब वो माया मोह का आवरण फट जाता है, अहंकार का आवरण फट जाता है, सरलता आ जाती है, तब बोलना बंद हो जाता है। बोलता है लेकिन तब का जो बोलना होता है वो निश्चल भाव से होता है, सरल भाव से होता है, वहां प्रदर्शन नहीं होता, क्योंकि वो जी रहा होता उस स्थिति में। अंडा जब तक रहता तब तक पकता रहता, जब परिपक्व हो गया बच्चा वहां पर अंडा फूट गया। ऐसी जब परिपक्वता आ जाती है तब बोलना बंद हो जाता है, प्रदर्शन बंद हो जाता है। अधिक बोलना अपने भीतर की कमजोरी को प्रकट करना है। कोई हमें न जाने तो हमारा नुकसान क्या हो जाएगा? जो ज्ञान हम जान रहे हैं वो दूसरों के लिए है कि हमारे अपने लिए है? हमारा ज्ञान हमारे अपने लिए है। हम जो लोगों से कहते हैं उनके लिए बाद में होगा, वह हमारे लिए पहले है। लेकिन हम ये मान लेते हैं कि हम तो सुधर गए हैं, अब हमें क्या सुधरना है? सुधरना तो इन लोगों को है। फिर सुधारने के चक्कर में अपने को बेचते चले गए, रात दिन जो आ जाए जो आ जाए जो आ जाए ज्ञान का प्रदर्शन। लेकिन जो जीने लग जाता है, माया मोह का अहंता ममता का आवरण जिसका फट गया, बच्चा निकल गया, सरल मन सरल हो गया। जिसका मन बच्चे के मन के समान सरल और विनम्र हो जाए, निश्चल हो जाता है, वो प्रदर्शन नहीं करता, वो मौन हो जाता है। भवते नातिवादी विजानन विद्वान, भवते नातिवादी। उपनिषद के ऋषि कहते हैं विजानन विद्वान, जो विद्वान है, जो साधक है, जिसे जानने चाहिए उसे जान लिया, फिर वो अतिवादी नहीं होता है, वो बोलता नहीं है। सदगुरु कबीर ने कहा है समुझ बूझ जड़ हो रहे बल तेजी निर्बल होए, पहले समुझ बूझ लो अच्छी तरह से। जो जो समझ बढ़ती जाएगी, ज्ञान बढ़ता जाएगा, उतना उतना ही बोलना कम होता जाएगा। अतिवादी नहीं होना है, नम्र बनना है। तो अंडा था तब बोलता, बच्चा बोलत ना है। जब हमारा मन मोह माया दुनियादारी राग रंग से घिरा हुआ होता है तब हम बहुत बोलते हैं, बहुत प्रदर्शन करते हैं, और जब उसका आवरण फट जाता है तब सरलता आ जाती है, विनम्रता आ जाती है, प्रदर्शन खत्म हो जाता है। सरदर्शन संशय परी जीवों का गमनाए, सरदर्शन योगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश और ब्राह्मण, ये छह दर्शन है। और इन छहों में दुनिया के पूरे संप्रदाय आ जाते हैं, कुछ बाकी नहीं होता। सरदर्शन मतलब सारे के सारे धार्मिक मत पंथ संप्रदाय। तो सर दर्शन संशय परी, नाना मत के जो साधक हैं, भक्त हैं, पुजारी हैं, उनके मन में संदेह है। संदेह क्या है? हमारा लक्ष्य, हमारा प्राप्तव्य, हमारा मोक्ष, हमारा शांति का धाम, हमारा परम परमात्मा हमसे बाहर है।
जिंदगी बीत जाती है साधना करते करते, लेकिन भ्रम नहीं कट पाता, संदेह दूर नहीं हो पाता। अब बड़े बड़े त्यागी हैं, बड़े बड़े वैरागी हैं, उनके मन से भूत प्रेत का भ्रम भी दूर नहीं हो पाता। शकुन अपशकुन ग्रह लगन दिशा शूल, ये साधारण साधारण भ्रम भी दूर नहीं हो पाते। हैं तो बड़े त्यागी, बड़े विद्वान हैं, बड़े वैरागी हैं, लेकिन संदेह रह जाता है, डावाडोल बना रह जाता है मन। इसलिए क्या होता है, जीवों को गमनाए। जो जीव है उसका पता नहीं चल पाता। या फिर ऐसा कह सकते हैं, जब बड़े बड़े सन्यासी त्यागी वैरागी जीवन भर जो साधना में खपा दिए हैं, उनके मन का संदेह दूर नहीं हुआ, तो उनके पीछे चलने वाले जो समान लोग हैं, उन्हें अपनी वास्तविकता का पता कैसे चलेगा। जैसे वो लोग बता देंगे, जैसे गुरु महात्मा बता देंगे, अनुयायी वही मान लेंगे। जाको जैसा गुरु मिला ताको तैसी बुद्ध। गुरु प्रताप जिन्हें जब हाथ से जन विरले सो पाई हो, गुरु बाबा ही संदेह में है तो शिष्यों का संदेह रहना स्वाभाविक है। इसलिए अपनी हकीकत का असलियत का बोध नहीं हो पाता है। सब बाहर पुकारे जा रहे हैं, पुकारे जा रहे हैं। साहब ने कहा, चात्री कहा पुकारो दूरी, सो जल जगत रहा भरपूरी। ऐचातक, जिस पानी को पी करके तुम्हारी प्यास दूर हो सकती है, तुम कहाँ पुकार रहे हो उसे? वो जल तो तुम्हारे आसपास भरा हुआ है। संबोधन चातक का है, निर्देश हमारे लिए है। सदगुरु कहते हैं, ए भाई, जिस परमात्मा को पाकर, जिस ब्रह्म को पाकर, खुदा गार्ड को पाकर, मोक्ष को पाकर तुम तृप्त हो सकते हो, वो तो तुम्हारे आसपास तुम्हारे भीतर ही है, तुम कहाँ पुकार रहे हो? लेकिन जब संदेह रहता है तब हम पुकारते रह जाते हैं। तो सर दर्शन संतह परी जीवों का गमनाएं। नाना मत के जो साधक हैं, संत हैं, गुरुजन हैं, अनुयायी हैं, उनके मन में संदेह है कि हमारा प्राप्तव्य हमसे अलग है, हमारा मोक्ष धाम शांति धाम हमसे अलग है। इसलिए उन्हें स्वरूप का सही बोध नहीं हो पाता है, और सही बोध न होने के कारण भीतर दुगदुगी बनी रह जाती है। जिस शांति के लिए घर द्वार छोड़कर साधना मार्ग में आए थे, उसका अनुभव नहीं हो पाता। सही बोध और उस बोध के अनुसार से रहने, ये बहुत सौभाग्य की बात है। गुरुदेव जी कहा करते थे कि सही बोध और उस बोध के अनुसार से रहने, ये कच्ची गोटी का खेल नहीं है। पहली बात तो यही है कि सही बोध होना कठिन है, क्योंकि सही बोध देने वाले गुरुजन बहुत कम हैं। सौभाग्य से ऐसे गुरु संत मिल गए, और उनकी संगति से, उनके उपदेश से हमें सही बोध हो गया, तो अब कठिन है उस बोध के अनुसार से रहनी बनाना। इस रहनी बनाने में बाधा है हमारी विषयाशक्ति, सुखाध्यास आराम तलवी। कितना हम जानते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है जो जानते हैं उसको जीवन में कितना जीने का काम कर रहे हैं। बिना जिए हमारा सारा का सारा जानना और सारा का सारा ज्ञान हवा बनकर के उड़ जाएगा। इसलिए जानने का अहंकार नहीं करना है, कितना पढ़े हैं, कौन शास्त्र पढ़े हैं, कौन भाषा पढ़े हैं, एक काम नहीं आएगा। किसी का अहंकार मत न करें,
हमें अपनी रहनी बनाने की आवश्यकता है, आत्मा बनाने की आवश्यकता है। और जब उस बोध के अनुसार से रहनी हो जाएगी तब वो बोध हमारा अपना हो जाएगा, तब वास्तविकता का पता सही ढंग से चल पाएगा। जबानी जमा खर्च से कुछ होने वाला नहीं है। पहले दही जमाइए पाछे दुहिए गाय, बछड़ा वाके पेट में माखन हाट बिकाए। पहले दही जमा लो और दही जब जम जाए तब गाय को दूहना पीछे, बछड़ा भी गाय के पेट में ही है लेकिन दही से निकला हुआ मक्खन बाजार में बिक रहा है। कहीं ऐसा होता है? चौंकने वाली बात। हमें सावधान कर रहे हैं सद्गुरु कबीर। गाय दोहना क्या है? आत्मज्ञान का दोहन करना, अध्यात्म विद्या का दोहन करना। लेकिन जरूरी क्या है? दही जमाना। पहले बुद्धि को स्थिर तो करो। बुद्धि स्थिर है ही नहीं, मन स्थिर है ही नहीं, चंचल बना हुआ है। बुद्धि में कोई निश्चयता नहीं, ये बात ठीक कि वो बात ठीक, अमुक शास्त्र में ये कहा है, अमुक शास्त्र में ये कहा है, अमुक महात्मा ने ये कहा है, अमुक महात्मा ने ये कहा है, कहीं निश्चयता ही नहीं है। आवश्यकता है स्थिर बुद्धि की। व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। गीता में कहा गया है कि ये जो व्यवसायत्मिका बुद्धि है ये समाधि में स्थित नहीं होगी। बुद्धि निश्चय करने वाली है, अब वही डामाडोल है। मन जरा भी स्थिर नहीं होता है, स्थिर होने का काम भी नहीं करते हैं और कहते हैं कि खड़े खड़े ही हमें आत्मज्ञान हो जाए। कैसे हो सकता है? साहब कहते हैं पहले बुद्धि को स्थिर करो। स्थिर करने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। वैसी संगति चाहिए, वैसे अध्ययन मनन चाहिए, वैसे वातावरण चाहिए। और हम इसको ठीक करना नहीं चाहते। मन वैसे के वैसे चंचल है। ऐसे नहीं हरि पाइए मन चंचल भाई। कबीर साहब के नाम पर एक भजन है कि मन को चंचल बना करके ऐसे हरि नहीं मिलेगा। चंचल मन से आत्मविद्या की प्राप्ति नहीं होगी। स्थिरता चाहिए और स्थिरता के साथ साथ स्थिर होकर सेवा भी करना चाहिए। आज तो लोग आते हैं कितने महात्माओं के पास, कहते हैं महाराज जी फुर्सत नहीं है महाराज, बहुत मुश्किल से समय निकाल कर आए हो महाराज, 10-15 मिनट समय है महाराज, मुझे आत्मज्ञान दे दो। बस जूता चप्पल भी नहीं खोल पाए हैं और महात्मा कहते हैं हमें आत्मज्ञान दे दो। कहां से आत्मज्ञान मिल होगा? छांदोग्य उपनिषद में ये कथा आती है, जब प्रजापति ने ये घोषणा की थी कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शुद्ध बुद्ध है, निर्मल है, निर्विकार है, उस अमर आत्मा का ज्ञान जो प्राप्त कर लेता है वह दुख से मुक्त हो जाता है। तब उसकी घोषणा सुन करके दैत्यों के प्रतिनिधि विरोचन और देवताओं के प्रतिनिधि इंद्र दोनों एक दूसरे को जाने बिना अपने हाथों में संविधा लेकर के प्रजापति के पास पहुंचे। प्रजापति ने कहा तुम लोग क्यों आए हो हमारे पास? कहा भगवान आपने जो कहा है ना कि जो आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह दुख से मुक्त हो जाता है, तो उसी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए हैं। तो प्रजापति कहते हैं दोनों से ठीक है, तुम लोग मेरे आश्रम में 36 साल तक ब्रह्मचर्य पालन करते हुए निवास करो। 36 साल, यहां 36 मिनट भी समय नहीं है लोगों के पास।
और दोनों रुक गए 37 साल पश्चात प्रजापति ने कुछ बताया, दोनों लौट गए। इंद्र ने सोचा कि ये तो बताया है, इसमें तो कोई नहीं। प्रजापति दोनों को ले गए थे एक तालाब के पास सरोवर में, कहा कि देखो तुम श्रृंगार करके आओ, देखो देखे छाया दिखाई पड़ रही है, ये जो छाया दिखाई पड़ रही है पानी में यही आत्मा है। लौट गए, इंद्र ने सोचा छाया काली हो, नहीं हमारा शरीर काली हो तो छाया काली, शरीर गोरा हो तो छाया गोरी, शरीर कुरूप हो तो छाया को वैसे तो शरीर, ये तो कोई आत्मा नहीं हुए, आत्मा तो एकरस कहा गया है, अपरिवर्तनशील कहा गया है। शरीर तो बूढ़ा होता है, जवान होता है, बालक होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, ये तो आत्मा नहीं है। फिर लौट गए, पूछा इंद्र ने क्यों आ गए, भगवान ये जो बताया ये आत्मा नहीं है। कहा अच्छा फिर 36 साल रहो, 3 बार तक 36 साल तक इंद्र वहां रहता रहा, 3 बार बताया, तीनों बार इंद्र संतोष नहीं हुआ, तब कहा अच्छा 5 साल रहो। कुल मिलाकर के इंद्र 101 साल तक ब्रह्मचर्य पालन करते हुए प्रजापति के आश्रम में निवास किए, तब प्रजापति ने उसे आत्मज्ञान दिया। अब ये घटना घटी है या नहीं घटी है, इसके माध्यम से हमें ये उपदेश दिया गया है कि इतनी स्थिरता तुम्हारे पास हो तब तुम्हें आत्मज्ञान मिल सकता है। कैसी स्थिरता है, 2 दिन कोई आया भगत रह लिए, गुरु कहते हैं संत कहते हैं अभी रुक जाओ साहेब, घर द्वार में बहुत काम है, और 2 दिन में आत्मज्ञान मिल जाएगा। किस उसी के भगत की बात नहीं है, साधु की बात है, सबके बात है। तो पहले दही जमाइए, साहब कहते हैं पहले बुद्धि को स्थिर करो, बुद्धि में जो अनिश्चयता है चंचलता है इसे दूर करो, स्थिर बुद्धि शांत बुद्धि बनाओ, तब आत्मविद्या मिलेगी, तब आत्मज्ञान हो पाएगा, तब वहां स्थिरता आएगी। बछड़ावा के पेट में माखन हाथ भिड़ गए, जब स्थिर बुद्धि पूर्वक आत्मज्ञान हो गया और उस ज्ञान के अनुसार जीवन की रहनी बन गई, पूर्ण आत्मबोध हो गया और मन बाहर से समेट कर अंतर्मुख आत्मलीन हो गया, तो उसका जो सुख है उसका जो आनंद है वो वही व्यक्ति जान सकता है। अंदर ही वो बछड़ा गाय के पेट में ही है, उसका मतलब क्या है, आत्मज्ञानी का जो आनंद है उसका जो सुख है उसको वही अनुभव कर सकता है, बाहर तो कोई देख नहीं सकता, लेकिन माखन हाट बिकाए उसकी प्रशंसा सब तरफ देखने, भाई देखो अमुक संत को देखो कितने शांत हैं, कितने प्रसन्न रहते हैं, कितना उसका जीवन निर्मल है। दुनिया में प्रसिद्धि होना ये माखन का बाजार में बिकना है। जो सच्चे संत हैं आत्मज्ञानी, दुनिया से उदास आत्मलीन रहनी संपन्न, उसका सुख तो भीतर रहता है वास्तविक सुख, लेकिन उसकी प्रशंसा सब तरफ अपने आप होने लग जाती है। उस प्रशंसा करने के लिए प्रोपेगंडा करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो ये नहीं चाहता है कि लोग मुझे जाने, मेरा प्रचार प्रसार सहज जो होता है वो व्यवहार करता है, लेकिन अपने भीतर जब कमजोरी होती है तब हम चाहते हैं अधिक से अधिक हमारा नाम लोग जाने, दुनिया भर में फैल जाए, और नाम फैलाने के लिए क्या क्या कुकर्म किए जा रहे हैं, कैसी कैसी जालसाजियां की जा रही है, धोखाधड़ी का काम, झूठ चमत्कार मिथ्या महिमा फैलाए जा रहे हैं, ऐसे लोगों को आत्मज्ञान से क्या मतलब होता है, बुद्धि स्थिर नहीं है, उनके लिए तो ये झूठे शरीर के नाम रूप की प्रसिद्धि ही सब कुछ है। तो ऐसे लोग आत्मज्ञान को समझ सकते हैं, आत्मविद्या प्राप्त कर सकते हैं, वो हम लोगों पर सारी उलटवासियां हम लोगों पर व्यंग है, साधक कहलाने वाले हो
वालों पर, जो अपने को हम लोग ज्ञानी मानते हैं उन पर व्यंग है सब के सब। पहले मैं जन्मिया, पीछे मेरा भाई, धूमधाम से बाबा जन्मे ता पीछे मोरी माई। पहले मेरा जन्म हुआ, मेरे जन्म लेने के पश्चात मेरा बड़ा भाई पैदा हुआ। अब जब वो पैदा हो गया तब मेरे बाबा का जन्म हुआ। बाबा जन्म लेने के पश्चात मेरी माँ पैदा हुई। उलटवासी है यहां, मैं से मतलब होता है मुमुक्षा, मोक्ष की इच्छा, कल्याण की इच्छा। कल्याण की इच्छा जब पैदा होती है तब बड़ा भाई भक्ति पैदा होती है। भक्ति को भाई कहो जो भी कहो, साहस पैदा होता है एक प्रकार से। यदि कल्याण की सही इच्छा है, इसी जीवन में मुझको पूरा पूरा कल्याण का काम करना है ये निश्चय हो जाएगा, तब साहस हो जाएगा। तब फिर अपने कुरीतियों को, मलिनताओं को जीतने में कायरता नहीं होगी, हिम्मत आ जाएगी, साहस पैदा हो जाना, बल पैदा हो जाना, मैं कर सकता हूं। समझ लो, आप सब यहां आए ध्यान करने के लिए। ध्यान करने के लिए आपका आना, आपका पैदा होना है। यहां आए मतलब घर छोड़कर चले, मुझे जाना है संस्थान में, ध्यान शिविर में। आप पैदा हो गए, लेकिन यहां आकर के जब हुआ देखे, अरे इतने लोग आए हैं, इतने लोग कर सकते, मैं क्यों नहीं कर सकता, साहस पैदा हुआ, तो आपका बड़ा भाई पैदा हो गया। ना आए होते तो कहते वहां जाकर के 7-7 दिन तक बैठे रहना 8-8 घंटा, तो बहुत कठिन काम है। और यहां आकर के लोगों को न देखते, छोटे छोटे उम्र के लोग साधना कर रहे हैं, तो बलहीन बने के बने रह जाते। तो पहले कल्याण की इच्छा पैदा होती है, फिर बड़ा भाई साहस पैदा होता है। अब दोनों मिल गए तब बाबा विवेक का उदय होता है, आत्मा अनात्मा का विवेक, स्वपर का विवेक, जड़ चेतन का विवेक। विवेक मतलब सही दृष्टि, वास्तविकता का बोध, जो जैसा उसका विवेक जगने पर कहीं अंधकार रह ही नहीं जाता है, कहीं भ्रांति रह ही नहीं जाती, साफ दिखाई पड़ता, जो जैसा सब कुछ साफ एकदम क्लियर हो जाता है। मुमुक्षा हो और साहस हो, लगन हो, तब विवेक पैदा हो जाएगा। और जब विवेक पैदा हो जाएगा तब क्या होगा, ता पीछे मेरी माई, तब मुक्ति रूपी माँ बाद में पैदा होगी। सब संत में मुक्ति पैदा होती है, पहले पैदा नहीं होती है। श्रद्धा होगी, भक्ति होगी, साहस पूर्वक प्रयत्न होगा, विवेक का उदय होगा, जीवन वैसा बनेगा, तब शांति माता या मुक्ति माता का जन्म सबसे आखिर में होता है। भावना ही नहीं है, भावना हो गई तो उसके लिए समर्पण नहीं है, समर्पण कुछ है तो साहस नहीं है कि मैं कैसे कर सकता हूँ साधना, मेरे जैसा सामान्य आदमी, मेरे जैसा घर गृहस्थी वाला आदमी, मेरे जैसा अनपढ़ आदमी, मैं कैसे कर सकता हूँ, साहस पैदा नहीं होता है। लेकिन जब लोगों को देखते हैं, छोटी उम्र के हमसे कम पढ़े लिखे लोग, हमसे कम बुद्धिमान लोगों देखते हैं, तो साहस नहीं, मैं भी कर सकता हूँ। जब साहस हो जाता है और लग जाते हैं संतों की शरण में, तो संतों शरण में लगे लगे सत्संग साध्याय करते करते विवेक पैदा हो जाता है। अब जब विवेक पैदा हो गया तो समझ में आ गया कि क्या बंधन है, क्या मोक्ष है, क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। जितने अकर्तव्य हैं, अकरणी काम है, बंधनदायी काम है, सबको छोड़ दिए। जब सबको छोड़ दिए तो मुक्ति रूपी माँ सब में पीछे, सबसे पीछे पैदा हो गई। मुक्ति शुरू में पैदा नहीं होगी और सबसे अंतिम में पैदा होगी, यही है ता पीछे मेरी माई, माँ का पीछे जन्म लेना। शुरू में एक आए यदि हम पद को सुने
तो लगेगा कि सब बेकार की बात है, लेकिन समझें यदि इसको तब एक एक पंक्ति वजनदार है, हम पर व्यंग है, हमारी भ्रांति की परख है और अंतिम में साहस है। सदगुरु कबीर जो कहते हैं, तो ही रोकन वाला कौन मगन में जा चली, तुम्हें कौन रोक रहा है, कहां बाधा है बाहर, व्यर्थ दूसरों को दोष मत दो, किसी का दोष नहीं, किसी का भी दोष नहीं है, हम दुखी हैं, बंधन में हैं, तो केवल अपने कारण है, केवल अपने कारण, केवल अपने कारण, अपनी समझ को ठीक कर लें, बुद्धि को ठीक कर लें और अपने कर्म को सुधार लें, फिर कहीं दुख हो का अवसर आएगा ही नहीं, दुख तो आएगा लेकिन दुखी हम नहीं होंगे, कोई हमें बांध नहीं रहा है, हम बंधे हुए हैं, अपनी ही भूल से बंधे हुए हैं, कौन किसको बांधता है, व्यर्थ हम दूसरे को दो देते, उन्होंने बांध दिया, उन्होंने बांध दिया, कोई नहीं बांधा, हम अपने आप को बांधे हुए हैं, अपनी उन्नति में रोड़े केवल हम हैं, केवल हम हैं। उदाहरण देख लो, दुनिया में एक से एक वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील हुए, एक से एक भौतिक क्षेत्र में विकास करने वाले, एक से एक संत हुए, उनके सामने बाधाएं कम थी, रुकावटें कम आई, लोगों ने कम उन्हें परेशान किया। कबीर साहब को उदाहरण दिया है, विवेकानंद के सामने, दयानंद के सामने, बुद्ध महावीर के सामने, ईसा मोहम्मद के सामने, मीरा के सामने कितनी कठिनाई आई, लेकिन वे अडिग, अचल, हिम्मत नहीं हारे, अंत में सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी, हो गई। इसलिए किसी को दोष नहीं देना, साहब हमें पहली पंक्ति में हिम्मत आते, तो ही रोकन वाला कौन मगन में जाते, कौन तुम्हें रोक रहा है, जहां चाहते हो, जिस क्षेत्र में चाहते हो, प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़ो, सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है, मुक्ति रूपी माता हमारा इंतजार कर रही है कि ये जीव बेटा कब मेरे पास आए और उसे अपनी गोद में बैठाकर सब दुखों से उसे बचा लूं। लेकिन क्या हम मुक्ति माता की गोद में बैठने के लिए तैयार हैं? वैसे हमारी तैयारी है, वैसी साधना है, माता तो देख रही है कि बेटा कब आए और गोद में उठा करके उसे प्यार करूं, लेकिन बेटा की तैयारी, बेटा ही नहीं चाहना, बेटा वैसे भी नम्र नहीं बनना चाहता, तो माँ क्या करेगी? इसलिए स्वयं को लगना होगा, अपने करने से मुक्ति मिलेगी, अपनी आंखें खोलने से सवेरा होगा, हम ही आंखें बंद करके बैठे रहेंगे, सूरज उगेगा तो क्या होगा, इसलिए जागें, अपनी आंखें खोल लें, जब जागे तभी सवेरा, अभी भी सुबह हो सकती है, हमें अपनी आंखें खोलने की आवश्यकता है। बस अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम